जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग औंधे नागनाथ तालुका हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये है ज्योतिर्लिंग जो बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। ये बाहर का दृश्य जो बहुत ही शानदार तरीके से अंदर का मंदिर है, लेकिन ये बाहर का ये नया टाइप का बनाया हुआ एकदम दरवाज़ा और बहुत ही सुंदर। अब मैं और मेरी फैमिली आगे बढ़ते हुए, जी हाँ, इस मंदिर में दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आप भी, मैं आशा करता हूँ आप भी इसमें संपूर्ण देखिए वीडियो को। ये देखिए, यहाँ पे प्रसाद के सभी चीज़ मिलते हैं। भोलेनाथ की छोटी बड़ी लिंग जो पूजा के लिए, और विभूति, और ये प्रांगण जिसमें मूर्ति बहुत ही सुंदर, अति सुंदर ज्योतिर्लिंग, और बहुत ही पुराना ज्योतिर्लिंग। बहुत बड़ा प्रांगण है मंदिर का। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। दोस्तों, ये भगवान के लिए चढ़ावे फूलों की दुकान, हार, और यह है मंदिर का मेन गेट। जी हाँ, अभी हम पूरे लोग मिलकर यहाँ पे चप्पल छोड़ रहे हैं, चप्पल स्थान है ये। मंदिर का बहुत बड़ा परिसर है। मंदिर में आगे बढ़ते हुए, और इस मंदिर की विशेषता ये है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। गुजरात, नॉर्थ इंडिया के कई लोग जो महाराष्ट्र में इस मंदिर की दर्शन के लिए आते हैं। ये भी बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है और बहुत माना हुआ ज्योतिर्लिंग। काफी भक्त लोग आते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये हॉल जिसमें ठहरने के लिए जगह, जब ज्यादा पब्लिक होती है तो यहाँ पर ऐसे बांट देते हैं। सभी भक्तगण भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए व्याकुल। करीब आधा घंटा हमें इस लाइन में ठहरना पड़ा। बहुत ही सुंदर मंदिर का प्रांगण, ये है मंदिर का कलश। दोस्तों, अगर आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगे, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और इस मंदिर के बारे में, वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को संपूर्ण देखिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भोले शंभू।
ताली ताली दोस्तों, भोले शंकर को फूल और पत्री चढ़ाने से बहुत ही महत्व होता है इसका, क्योंकि यह बहुत ही उनको खुश कर देती है फूल और पत्री, जिसके लिए चढ़ावे में इसकी बहुत विशेषता है। फूल और पत्री और शिवलिंग पर पानी और दूध भी चढ़ाने से काफ़ी पुण्य प्राप्त होता है। ये देखिए,
Oh.